बिहार में दिवाली के बाद बदले का मौसम, पटना सहित अन्य जिलों में आज छाए रह सकते हैं बादल। बिहार में पछुआ एवं उत्तर पछुआ का प्रवाह सतह से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। इस कारण अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। आंशिक रूप से कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। मंगलवार को पटना समेत राज्य के कई जिलों में सुबह में हल्की धुंध के साथ आंशिक बादल छाए रहे। धूप कमजोर रही इसलिए लोगों को सुबह और शाम में हल्की ठंड का एहसास हुआ। इस ठंड का आगाज माना जा रहा है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार न्यूनतम तापमान घटकर 12 से 13 डिग्री सेल्सियस नीचे जाएगा, तब ठंड होगी। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस शेखपुरा और न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस बांका में दर्ज किया गया। वहीं राज्य का औसत अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस रहा। बुधवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस कारण सुबह में काफी देर तक धुंध रही, छाई रही और लोगों को ठंड का एहसास हुआ। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में जारी उतार चढ़ाव ने उत्तर बिहार के किसानों की परेशानी बढ़ा दी। हर दो दिन पर तापमान में थोड़ी कमी आने के बाद फिर से वृद्धि हो जाती है। दिन व रात का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। इस कारण किसान आलू व मक्का की बुआई करने से घबरा रहे हैं। अक्टूबर के मध्य से इन फसलों की बुआई होने लगी है, लेकिन इस बार मौसम की दगाबाजी से इन फसलों की बुआई में देरी हो रही है। अब आपको ये भी बता दें कहां पर कितना दर्ज किया गया है तापमान। बांका में 15.1 डिग्री सेल्सियस और गया में 16.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और नवादा का 16.6 डिग्री, पटना का 18.4 डिग्री, वैशाली का 18.4 डिग्री। तो आपको बता दें बिहार में दिवाली के बाद अब मौसम बदल जाएगा। पटना सहित अन्य जिलों में आज बादल छाए रह सकते हैं, हल्की धुंध की भी संभावना है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।